हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लव प्रकाश गोमे और दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों आज की जो सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के लिए। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किए थे कि हमें बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन। दोस्तों डायरेक्ट इनमें आंसर बताऊंगा और आपको याद करने में आसानी रहेगी और दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने कहा था कि हमें एक बड़ी वीडियो चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें 50 क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे से देखें ताकि दोस्तों आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट की तैयारी अच्छे से हो सके। दोस्तों काफ़ी लोगों ने पूछा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर कब होगा, तो दोस्तों अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर की कोई डेट नहीं आई है। जैसे डेट आती है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर कब होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर इनमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में डाल दिए हो, तो दोस्तों आप उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में PO4 बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राजस्थान में फॉस्फेट उर्वरक बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उदयपुर। दोस्तों उदयपुर में बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है जो SSP और TSP आदि उर्वरक बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2, खड़ी फसल में उर्वरक डालना क्या कहलाता है। तो दोस्तों खड़ी फसल में उर्वरक डालना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। टॉप ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों का 95% भाग बना होता है। तो दोस्तों 95% भाग बुनियादी पोषक तत्वों से बना होता है। दोस्तों बुनियादी पोषक तत्व कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहा जाता है, जो पौधे की स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं ऐसे तत्वों को बुनियादी पोषक तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, TSP में फॉस्फोरस की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसमें 46 से 48% फॉस्फोरस की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, MOP में पोटास की मात्रा। तो दोस्तों MOP में पोटास की मात्रा होती है 60%। क्वेश्चन नंबर 6, उर्वरक जिनमें एक की प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा हो। दोस्तों ऐसे उर्वरक जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व हो उनको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको एकल उर्वरक कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों यूरिया। क्वेश्चन नंबर 7, आलू की जलमांग है। तो दोस्तों आलू की जलमांग 40 से 60 सेंटीमीटर है। बात करें MM में तो 400 से 600 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ढेंचा का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है सेसबिनिया। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू की पौध कितने दिनों बाद रोपाई योग्य हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 40 से 50 दिनों बाद। क्वेश्चन नंबर 10, उच्छालन करने वाले कणों का व्यास होता है। तो दोस्तों जो उच्छालन करने वाले जो कण होते हैं उनका व्यास 0.1 से 0.5 mm होता है। दोस्तों उच्छालन का मतलब है साल्टेशन। दोस्तों एक विंड इरोजन का टाइप है, हवा के द्वारा मिट्टी का जो इरोजन होता है उसको कहा जाता है दोस्तों साल्टेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है 0.1 से 0.5 mm की जो मिट्टी के जो कण होते हैं हवा के द्वारा उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ऐसे इरोजन को दोस्तों साल्टेशन या फिर उच्चारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 इंच मृदा बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 1 इंच मृदा बनने में 1000 वर्ष मिनिमम लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्र में फसल व घास एक साथ उगाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको ले फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। तो दोस्तों सुबह
सुबह के 4 बजे उस स्थान का मिनिमम टेम्परेचर होता है। और बात करें हाईएस्ट टेम्परेचर की, तो दोस्तों हाईएस्ट टेम्परेचर होता है दिन के 2 बजे। अगला क्वेश्चन, मक्का की ग्रोथ के लिए अनुकूल तापमान। तो दोस्तों मक्का की ग्रोथ के लिए 28 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त विधि है ड्रिप इरिगेशन, या फिर माइक्रो इरिगेशन। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि सहनशील फसलें हैं। दोस्तों अतिवृष्टि सहनशील फसलें कौन कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है गन्ना, धान और जूट। अगला क्वेश्चन, पशु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चारा है। तो दोस्तों पशु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चारा है हरा चारा, रिजका। अगला क्वेश्चन, पशु के आंतरिक परजीवी को नष्ट करने में सहायक है। तो दोस्तों नीला तोता, अगला क्वेश्चन, बकरी की टोगनबर्ग नस्ल का मूल स्थान है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड, से दोस्तों टोगनबर्ग नस्ल का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन, ट्राइगोनेला फेनुग्रेकम किसका बोटनिकल नेम है? तो दोस्तों ये मेथी का बोटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल का टेम्परेचर हल्के रंग वाली मृदा की तुलना में होता है। तो दोस्तों अधिक होता है, दोस्तों जो ब्लैक सॉइल होती है इसका टेम्परेचर अधिक होता है बाकी मृदा से। अगला क्वेश्चन, पीएच का सूत्र। तो दोस्तों पीएच का सूत्र होता है लॉग 1/ हाइड्रोजन आयन। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं सक्रियता के लिए उपयुक्त टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर होता है 30 से 40 डिग्री। अगर टेम्परेचर मिल जाएगा तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अच्छे से अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लैक सोइल में मैक्सिमम खेती की जाती है। तो दोस्तों कपास की खेती की जाती है ब्लैक सोइल में अधिक। अगला क्वेश्चन, म्यूटो ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड को म्यूरेटॉप अमोनिया भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों NH4Cl। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि एवं रोग रोधिता बढ़ाने में सहायक हार्मोन है जो केंचुओं द्वारा स्त्रावित होता है। तो दोस्तों वो हार्मोन है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग। तो दोस्तों धान में किया जाता है, ये धान में क्या करता है उसके उत्पादन को 2 से 3 गुना बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों के अंडे सेने का उपयुक्त समय। तो दोस्तों फरवरी और मार्च। अगला क्वेश्चन, दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोह तत्व की। अगला क्वेश्चन, भारत का कालीन कारपेट ऊन उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो दोस्तों प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त विधि है। तो दोस्तों उस विधि का नाम है रेक्टम पेल पेशन। अगला क्वेश्चन, शुद्ध घी में वानस्पतिक तेल का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों शुद्ध घी में वानस्पतिक तेल का पता लगाने के लिए निकिल परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय व भैंस का औसतन दूध काल होता है। तो दोस्तों 300 दिन का होता है दुग्ध काल गाय और भैंस का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक चारा भूसा किस फसल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गेहूं से। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है? तो दोस्तों वो पशु है ऊंट। अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में गोबर की खाद से बनने वाली गैस। तो दोस्तों वो गैस है मिथेन गैस। अगला क्वेश्चन, विदेशी गाय का जूलॉजिकल नाम बॉस्टोर्नस है तो देसी गाय का जूलॉजिकल नाम होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बॉस इंडिकस। अगला क्वेश्चन, भैंस गाय भेड़ व बकरी किस कुल के पशु है? तो दोस्तों इनका कुल है बोवेडी कुल।
अगला क्वेश्चन, भैंस का जूलॉजिकल नाम है, तो दोस्तों भैंस का जूलॉजिकल नाम बुबेलिस बुबेलिस है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट करते रहे ताकि मैं एग्रीकल्चर की नई नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों अगर आप YouTube चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय जवान जय किसान, थैंक यू फ्रेंड्स।